जान, आखिर जब मुझे अपनी धर्म की बहन नहीं मान लिया है तो तुम हमारे और आपके बीच में ये हिंदू मुसलमान की दीवार नहीं रहे। तेरा कहना तो सच है, सभी लोग एक ही रास्ते से आते हैं लेकिन यहाँ पे मजहब अलग हो जाता है, इसलिए बहन मैं तुझे अपने यहाँ का शत्रु नहीं, ये ले पैसे संभाल और बाजार से जाकर के राशन लाना और अपनी क्षुधा में जाना। नहीं बहन, मैं आप लोगों से पैसे नहीं लूंगी। आज के दिन तुम लोग मुझे पैसे देकर और ये साबित करना चाहते हो कि आज मुझे पैसे दे दोगे और यहाँ जाने के बाद में फिर दोबारा मुझसे मिलने तक नहीं आओगे। मैं तुझे मिलने नहीं आऊंगा, भूल जाओगे। नहीं बहन, नहीं नहीं बहन, दक्षिणा देते हैं। भाई जान, जब तुम मुझे नहीं भूल सकते हो तो मैं भी भला आपको कैसे भूल सकती हूँ। भाई जान तो भूल सकती दक्षिणा समझ के बहन तू रख ले और बाजार से राशन लेकर के आना। और आज तेरे दोनों भाई तुझसे वादा करते हैं, संभाल बहन संभाल। किसी आवाज तेरा? लेकिन भाई जान मैं आपसे फिर एक बार कहती हूँ, वो ठलिया वाला कहा जा रहा है, दुतिया पैदल कहे गए बैठ गई। तू सच कहता है बहन? भाई जान मैं एक बार आपसे फिर कहती हूँ, आज नहीं रोज नहीं मुझसे मिलने आना, लेकिन जब रक्षाबंधन हो तो याद रखना कि तुम्हारी बहन तुम लोगों का इंतजार करती होगी, जरूर आ जाना। बहन हर राखी के दिन ये तेरे दोनों भाई राखी बधाने के लिए आएंगे और तुम मेरी धर्म की बहन है। आज हम दोनों भाई वादा करते हैं कि तुझे एक दिन डोली में बिठा करके अपने कंधे पे तुझे ससुराल विदा करूंगा। अरे शर्मा रही है ससुराल का मेरी प्यारी बहना, कीमत हम दोनों भाई अवश्य चुकाएंगे बहना। और ये राखी मेरी बहना, ये राखी की तेरा
परदेश जाना है। क्या कि सारा बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है, तुझे एक अच्छे घर में पिता करना है। अगर पैसा नहीं होगा भाई, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है भाई जान, मुझे दूर मत जा। अरे नहीं, ये समझ ले अल्लाह ने तेरे लिए दोनों फरिश्ते भेज दिए भाई जान। जाते रहे हो लेकिन जल्दी से आ जाना भाई जान। मैं बहुत जल्द पैसा कमा करके और तुझे मिलने के लिए आऊंगा भाई जान। चलता हूँ। ठीक है भाई जान, जाइए आज जरूर जाना भाई जान। मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। राखी के दिन ये तेरे दोनों भाई हाथ में राखी बनाने अवश्य आएंगे। आदाब भाई जान, आदाब भाई जान। तू कहाँ है भाई जान? चलो अच्छा बहन, ठीक है भाई, तेरे दोनों भाई विदा होते हैं। बिटिया पाँच कुछ रहो आज तेरे हम हो अकेले ना, लेकिन हम हो जाने हमारी बहनी भी नहीं गई। चिंता ना करो, सत्य खन कोई काम पर ये हम दाब तुरंत लगाई। ठीक है भैया, आप बहुत महान है भाई। बिटिया ले पैसा, हमरे धर लो, तुम कुछ ले लियो जाए पूत, पांच रुपया कम है ने बढ़ाए। वाह भगवान, कितनी बड़ी तेरी माया है। कहने वालों ने सच ये कहा है कि कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते, और भगवान मिलते हैं लेकिन पहचान नहीं मिलती। आज हमारे भाई जान अनवर खान और शहबाज खान मुझसे वादा कर रहे थे कि मैं एक मुसलमान हूँ और तुम एक हिंदू, लेकिन नहीं, मैं अपने आप से वादा करती हूँ, मैं अपने भाइयों को ये कभी नहीं एहसास होने दूंगी कि मैं एक हिंदू हूँ और वो एक मुसलमान है। और अल्लाह का हो या राम का और भगवान से और जाने अलग अलग है मगर नाम एक है। जाने अलग अलग है मगर नाम एक है। जाने अलग नहीं अरे हमारा दौर ठाकुर विक्रम सिंह रूपा से रुपए लेने के लिए गया है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया है। बैठ के इंतजार करता हूँ भैया। और कहीं तो बात क्या है पिता, और पता वो सही बात क्या है? और पता वो सही छाई हुई है। ठाकुर जानना चाहते हैं। ठाकुर साहब, मैं रूपा के पास पैसा लेने के लिए गया था, लेकिन वह साली रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी, इस वक्त हमारे पास से एक पैसा नहीं है। फिर क्या हुआ? लेकिन मेरे दोस्त, जिस वक्त रूपा को उठाकर हमेली की तरफ प्रस्थान किया, फिर क्या हुआ ठाकुर? तो बीच में टांग फंसा दिया। और सुनिए अनवर खान, और खाप नहीं खाया मेरा और छीना मेरा।
वो अनवर खान साला नौकरी से इस्तीफा लगाकर शराफत का रास्ता अपना लिया है। कहने का मतलब वो साला रास्ते का रोड़ा बन गया। और जब पैसों की बात किया तो साला 5,000 के बजाय 6,500 रुपया दे दिया। साले अनवर खान अरे 6,000 रुपए को मुझको दिया दावत है तुझे बर्बाद कर दिया मुझसे क्या दिखाया जिस तरह नीचा उसे नीचा दिखाऊंगा। अनवर खान दिखाया जिस तरह नीचा तुझे नीचा दिखाऊंगा और अपने अपमान का बदला तुझसे कटूंगा। अनवर खान हाथ का तेगे से सरारा सब फुला दूंगा साले। हाथ का तो तेगे से सरारा सब फुला दूंगा। उठा कर लाल पर की नोक पे कर अनवर खान साला कब तक रूपा की मदद करता रहेगा। अरे आज तो हम अकेले फंस गए। उसके साथ में साला ये कोई और छोकरा था और हम अकेले पड़ गए। इसलिए मजबूर होकर वहां से आना पड़ा। अरे फिर उसके झोपड़ी की तरफ जाना अपना पैगाम बढ़ा दिया जाए। मेरा ही नाम रोशनी। मैं इसी जसवंत नगर में रहती हूँ। मेरा एक बेटा है जिसका नाम अजय है। अजी पाए लागी। अरे खुश रहो मेरे लाल। बड़े दिन बाद दिखाने बेटा हम यह ना आई पाई। अजय हमारा अजय कहाँ है? पढ़े तो नहीं गए। अरे अभी तो पढ़ने का टाइम भी नहीं हुआ है, अब जाने वाला है। मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए सब तलक अजय हमसे नहीं मिल लेता है। सही बात है। सब तलक विद्यालय नहीं। वो लड़का बेकार है जो माँ का सम्मान ना करे। सच कहते हो। ठीक है अच्छे को बैठो जाती। अजय Yeah.
आशीर्वाद चाहिए माँ, आपका आशीर्वाद रहा तो हमेशा खुश रहूंगा। सच कहते हो मेरे लाल, मैं तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ, मेरा लाल पढ़ लिख कर होशियार बन जाए, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए और बहुत जल्दी अपने लाल की शादी कर दूं और धूमधाम से और कोई अच्छी सी बहू खरा जाए। क्यों नहीं माँ, आपका आशीर्वाद रहा तो मैं पढ़ लिख करके एक अफसर ही बनकर कर दिखाऊंगा और देखना माँ तुम्हारे लिए वो बहू लाऊंगा जो हमेशा तुम्हारी ही सेवा करती रहे। अरे माँ तुमने बचपन से पाल पोस के हमें सयाना कर दिया, बचपन में ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, पिताजी का प्यार और माँ का प्यार तो तुमसे मिला है। उनसे पूछो माँ जी के माँ नहीं होती है, उन्हें माँ की कितनी याद आती है। माँ तू कितनी अच्छी